How are you? This is Sony from Sony's Corner. Welcome to my channel. तो फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम सीडी के ऊपर स्क्रैच आर्ट सीखेंगे और इससे पहले क्रेयॉन से स्क्रैच आर्ट कैसे बनाना है इसका ट्यूटोरियल मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। और ये देखिए, ये क्रेयॉन के ऊपर हमने स्क्रैच आर्ट तैयार किया था और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लेकिन आज हम सीडी के ऊपर स्क्रैच आर्ट बनाएंगे और उसके लिए जो सामान चाहिए मैं आपको बता रही हूँ। एक सीडी चाहिए हमें, ब्लैक एक्रिलिक कलर की जरूरत पड़ेगी, ब्रश चाहिए होगा और कोई भी जो पेन चलता नहीं है उसका रिफिल हम यूज करेंगे स्क्रैच करने के लिए, और या कोई भी आप शार्प चीज ले सकते हो स्क्रैच करने के लिए। तो चलिए, अभी बहुत देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना ट्यूटोरियल। लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। सबसे पहले हमें सीडी के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग करनी है और ये जो शाइनिंग वाला एरिया है इसके ऊपर हमें ब्लैक कलर की कोटिंग करनी है, ये उल्टी साइड पे नहीं करनी। तो चलिए, अभी हम शाइनिंग वाले पोर्शन पर ब्लैक कलर की कोटिंग करते हैं। हमने ब्लैक कलर से पूरी सीडी को कवर करना है, कोट करना है। अच्छे से हम इसे कोट करेंगे। ये हमने इसको ब्लैक कलर से पूरी तरह से कोट कर दिया है और इसको ड्राई होने देंगे, और ड्राई होने के बाद इसको एक से दो बार और कोट करना है। फर्स्ट कोटिंग जो है वो ड्राई हो चुकी है, अभी हम सेकेंड कोटिंग करेंगे और कम से कम तीन कोटिंग हमें करनी है ताकि स्मूथ फिनिश आ जाए। तो ये हमने सेकेंड कोटिंग स्टार्ट की है। ये हमारी सेकेंड कोटिंग भी कंप्लीट हो गई है, अभी इसको फिर ड्राई होने देंगे और ड्राई होने के बाद थर्ड कोटिंग करेंगे। तो ये हमारी सेकेंड कोटिंग भी ड्राई हो चुकी है, अभी हम थर्ड एंड फाइनल कोटिंग शुरू करेंगे। ये थर्ड लेयर है हमारी कोटिंग की। ये हमने थर्ड कोटिंग कंप्लीट कर दी है, इसको अभी हम अच्छे से ड्राई होने देंगे और ड्राई होने के बाद इसके ऊपर डिजाइन करेंगे। ये हमारा कलर ड्राई हो चुका है, अभी हम स्क्रैच करके डिजाइन बनाएंगे और उसके लिए कोई भी नुकीली चीज यूज करनी है। और यहाँ पर मैं ये बॉल पेन यूज कर रही हूँ और इसकी पॉइंट से हम डिजाइन बनाएंगे। ये इनको यूज करके हम स्क्रैच करेंगे सीडी के ऊपर। तो चलिए, फ्री हैंड से कोई भी आप डिजाइन इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। तो चलिए, अभी हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। जैसे भी आपको ड्रॉ करना है कोई भी डिजाइन फ्री हैंड से ड्रॉ कर सकते हो, और जहां पर आपको थोड़ी स्पेस चाहिए तो वहां पर ज्यादा स्क्रैच करके कलर निकाल देना है। इस तरीके से स्क्रैच करते हुए आपको डिजाइन बनाते जाना है, बहुत इजीली स्क्रैच हो जाता है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका डिजाइन जो है वो बनता चला जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सीडी
बहुत ही अच्छी और बहुत ही आर्टिस्टिक तैयार हो गई है स्क्रैच आर्ट। इसी तरीके से डिफरेंट डिजाइन का आप स्क्रैच आर्ट तैयार कर सकते हो दूसरी सीरीज पे, और साथ में अरेंज करके इसको हैंगिंग लुक दे सकते हो इंटीरियर के लिए। तो ये देखिए, ये हमने दूसरी तैयार की है। तो ये हमने स्क्रैच आर्ट डिफरेंट सीडी को यूज करके तैयार किया है, और तीनों सीडीज को अटैच करके हमने वॉल हैंगिंग बनाया है। बहुत ही आर्टिस्टिक और बहुत ही यूनिक वॉल हैंगिंग बना है। ये देखिए, इस तरीके से सीडी के ऊपर स्क्रैच आर्ट बनाकर आप उसका कई तरीके से यूज कर सकते हो इंटीरियर में। सीडीज में कैसे होल करना है और इनको ज्वाइन करना है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दूसरे वीडियोस में आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन। बाय बाय।